पहले जब मम्मी बिना नौकरी मेरे कमरे में आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उन पे चिल्ला भी देती थी। मामा, अंदर आते वक्त पूछा करो ना। पैदा होते वक्त तूने मुझसे पूछा था? पर वो कभी मुझे डांटती नहीं थी, मेरे गाल खींच कर मेरी सुट्टूड़ी करके मुझे मनाने की कोशिश करती थी, और मैं इडियट उस पे भी चिढ़ जाती थी। पर कुछ दिनों बाद ही वर्ड सुनने के लिए मैं तरस जाऊंगी भाभी, फिर कोई मम्मी की तरह खाना लेके कॉफी लेकर मेरे आगे पीछे नहीं घूमेगा, कोई मेरे बालों में तेल नहीं लगाएगा, कोई मुझे पैंपर करने के लिए मेरे नखरे झेलने के लिए नहीं होगा, क्योंकि मम्मी जितने पेशेंस ना किसी में नहीं होते। मैं बहुत बुरी हूँ भाभी, एक नंबर की इडियट स्टूपिड डफर हूँ। मैंने कभी मम्मी की वैल्यू नहीं की, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितना वो डिजर्व करती है। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरी मम्मी कितनी अमेजिंग है, मुझे तो मम्मी को मम्मी कहने में भी शर्म आती थी। और मैं तो इतनी बड़ी इडियट हूँ कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में मम्मी की जगह काव्या को ले गए। मम्मी मेरी हेल्प करना चाहती थी पर मैंने और पापा ने मना कर दिया और हम वह काव्या को ले गए। पर मम्मी ने फिर भी मुझे सरप्राइज देने के लिए इतनी मेहनत की। उस दिन मम्मी ने ट्रॉफी जीती थी, उनकी लाइफ की सबसे पहली ट्रॉफी। मैंने आज तक कुछ भी नहीं जीता है, ये भी मैंने नहीं जीता है, हम सब ने जीता है, हर माँ ने जीता है। पर हमने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कहा, उल्टा बा और पापा ने तो उन्हें डांटा, बहुत सुनाया। और ये सब किस लिए? इस ट्रॉफी के लिए? अरे ऐसी ट्रॉफी बाजार में 100-100 रुपए में बिकती है। और बेचारी मम्मी ने वो ट्रॉफी डस्टबिन में फेंक दी। एक बात पूछू काव्या, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें वनराज से शादी करनी है? Of course, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। And it's not like मैं वी को फोर्स कर रही हूँ शादी करने के लिए, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। क्योंकि काव्या, शादी चंद दिनों या महीनों की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। और जब बात जिंदगी की हो ना, तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। मैं डिसीजन ले चुकी हूँ अनिरुद्ध, और तुम उसे बदल नहीं सकते, so don't even try। मैं तुमसे तुम्हारा फैसला बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खुद को बदलने के लिए कह रहा हूँ। वनराज से प्यार करना तो सीख लिया तुमने, अब उस पे भरोसा करना भी सीखो ना। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है समझ में आता है, पर क्या तुम्हें अपने प्यार पे भी भरोसा नहीं है? अब अगर वनराज और अनुपमा जी कर्फ्यू की वजह से कहीं फंसे हुए हैं तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? और इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो तुम? क्यों ना हो, वो वहां उस औरत के साथ है जिसके साथ उसका इतने सालों से संबंध रहा है। उस हिसाब से तो तुम भी इस वक्त उस आदमी के साथ हो जिसके साथ सालों से तुम्हारा संबंध था। अब समझ आ रहा है कि हमने मम्मी को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, स्पेशली मैंने और तोशु भाई ने। विंटर ने तो हमेशा मम्मी का साथ दिया है, पर मैं और तोशु भाई हमेशा पापा पापा करते रहे। We never appreciated her efforts। मेरे बर्थडे पे तो मम्मी एक हफ्ते पहले से ही सारी तैयारी करना शुरू कर देती थी, और एक मैं, मुझे तो उनका कभी बर्थडे याद ही नहीं रहा भाभी। और इनफैक्ट उनके बर्थडे पे तो हमने काव्या का प्रमोशन सेलिब्रेट किया था। आज की सरप्राइज पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आज काव्या को प्रमोशन मिला है। She is the new group head. Congratulations! मैं अभी जितना सोच रही हूँ ना भाभी, खुद पे उतना ही गुस्सा आ रहा है मुझे। हमने कितना गलत किया है मम्मी के साथ, और कितनी देर लगा दी बात समझने के लिए। काव्या, हमारी शादी को ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं, जिसमें से 11 साल हमने लड़ झगड़ के बिता दिए। तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए तुम, लेकिन जो कुछ भी हुआ आज हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कॉफी के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स और प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। तो जब हम दोनों दोस्त हो सकते हैं तो वनराज और अनुपमा जी क्यों नहीं? और उनका रिश्ता तो 25 सालों का है काव्या, जस्ट थिंक अबाउट इट, 3-3 बच्चे हैं उनके, और बच्चे ना एक कपल को जिंदगी भर जोड़ के रखते हैं। वो लोग पति पत्नी रहे ना रहे, माँ बाप हमेशा रहेंगे, एंड एज पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते रहेंगे,
अरे ओकेजन आएंगे, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स होंगे, अरे बच्चों की शादियां होंगी, तो क्या हर बार तुम ऐसे ही इनसिक्योर फील करोगी? देखो काव्या, मैं जानता हूं तुम ये सारी बातें जानती हो और मैं तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी रिमाइंडर देना जरूरी होता है। अगर तुम एक खुशहाल जिंदगी चाहती हो, इफ यू वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप, तो तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा काव्या, ना तुम्हारा ये रिश्ता भी टिक नहीं पाएगा। एंड आई एम श्योर सिर्फ मुझे ही नहीं, पापा को भी रियलाइज हो रहा होगा, वो भी गिल्टी फील कर रहे होंगे कि उन्होंने मम्मी को कितना गलत ट्रीट किया। कभी तो आजकल वो काव्या से चिढ़ने लगे। आई विश पापा डिवोर्स का आइडिया ड्रॉप कर दे और मम्मी को जाने से रोक ले। अभी अभी तुम गिल्टी फील कर रही थी कि तुमने कभी मम्मी के बारे में नहीं सोचा, और अब फिर तुम अपने बारे में ही सोच रही हो। मम्मी जो करना चाह रही है वो उन्हें करने दो ना पाखी, लेट्स जस्ट सपोर्ट हर। चलो अब तुम ये दूध पियो और सो जाओ, ठीक है? और आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, ओके? थैंक यू भाभी। स्वीट टूडी, मेरा बच्चा। वनराज, और अपने प्यार पे भरोसा रखो काव्या, और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी किसी भी हाल में कम मत होने दो। कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए सेम नहीं रहता है। वनराज और अनुपमा जी का भी रिश्ता बदल जाएगा। जस्ट लेट देम बी। और रही बात हमारी, तो मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। तुम्हारी वनराज से शादी हो जाती है उसके बाद भी। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच। तुमसे बात करके आई एम फीलिंग सो मच लाइटर, एंड आई एम सो सॉरी। मैंने अब तक तुम्हें कितना गलत समझा। यू आर अ गुड गाय अनिरुद्ध, एंड आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड कि वी आर स्टिल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। वाह, दूध का ग्लास मैंने कमरे में रख दिया है, और ये नागिन का? मैं दूध नहीं पीती। अच्छा, कोई अलग टाइप की नागिन हो? भगवान करे ये कर्फ्यू रात को हट जाए और वनराज और अनुपमा सही सलामत घर वापस आ जाए। ठाकुर जी करे और जगह से कर्फ्यू उठ जाए, बस वो रिसोर्ट में कुछ महीने तक लगा रहे और मेरे बेटे और बहू साथ रहे। राखी जी, ये कर्फ्यू है तो आप भी अपने घर नहीं जा पाओगी ना? हाँ, रुकना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली हमारे घर का जो रोड है वो भी बंद कर दिया गया है, सो आई हैव टू स्टे बैक। By the way, बाप, बेडरूम में एसी है ना? है ना, और इतना ठंडा करता है कि रात को तो मिर्ची होगी और सुबह उठेगी तब कुल्फी। ये लाइट चली गई। ये लाइट को भी अभी जाना था, सुबह तक वापस नहीं आएगी। What? तुम्हें बिना एसी के रात में सोऊंगी कैसे? तू तो ऐसे बात करिए जैसे एसी में पैदा हुई हो। Actually yes, in a posh hospital. देखा जीजा जी, जो पूरी लाइफ एसी में रहते ना उसकी स्किन ऐसी होती है। उफ, वैसे बा, आई एम थिंकिंग कि मैं अपनी गाड़ी का एसी ऑन करके गाड़ी में ही सो जाऊं। आप भी मेरे साथ चलिए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैंने वो समाचार में देखा था कि आजकल अहमदाबाद में ना वो गाड़ी चोरने वाली टोल की घूम रही है। तेरा पता नहीं, पर मैं तो अपने लिए बहुत कीमती हूँ। तू जा। ठीक है, मैं अकेले सो जाऊंगी। मॉम, इट्स नॉट सेफ। अरे बेटा, यहाँ इतनी गर्मी है, यू नो आई कांट स्लीप विदाउट एसी। आप चिंता मत कीजिए ना, मैं पंखा करूंगा, आपको लोरी सुनाऊंगा। फॉर गॉड सेक, आप कुछ मत कीजिए, और मैं जहाँ भी हूँ ना वहाँ मत आइए प्लीज। किंजल बेटा जी, ये मेरा हाथ मैंने अपने दिल पे क्यों रखा है? अरे मेरी बातों पे लोग आंखें क्यों घुमाते रहते हैं? ये बिना एसी के मैं कैसे सोऊंगी? ज्यादा एसी में रहती है इसलिए ऐसे सुकड़ गई है। कभी कभी खुली ताजी हवा में भी रहना चाहिए, ऐसे खिड़की दरवाजे खोलकर। व्हाट? खिड़की दरवाजे खुले रख के, ताकि हम मस्की जो उसको इनवाइट करे हमें आके काटने के लिए? हाँ, उनको मरना है जो तुझे काटे। अच्छा सुनिए, आप और भैलू आज आंगन में सोना,
मैं मेरे कमरे में नागिन के साथ सोऊंगी। अरे नहीं नहीं बा, डोंट बॉदर, मैं किंजल के साथ उसके कमरे में सो जाऊंगी। मॉम मैं पाकी के साथ सो रही हूँ, वो मम्मी और पापा को बहुत मिस कर रही है इसलिए। तुझे फिर भी किंजू बेबी के कमरे में अकेले सोना है तो सोना, और फिर आधी रात को डर के मेरे पास मत आना। डर के क्यों? यहाँ पास वाले जो बरगद का पेड़ है ना, वहाँ पर कभी कभी ना ऐसी आवाज आती है। मैं आपके पास आपके कमरे में सो जाऊंगी। ये हुई ना बात। चल नागिन। देखिए आपको रात को कोई भी जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा, मैं चला आ जाऊंगा। क्योंकि मैं तो सोने वाला नहीं हूँ ना। क्यों? मुझे नींद ना। ये भगवान। चल 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 नागिन, चल मेरे साथ। जीजाजी, राखी जी सो गई होगी? हाँ तू भी सो जा। उन्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं देकर आऊं? सो जा। कहाँ जा रहा है? पानी लेने। बाजू पे रखा है। तो एक बार मैं बाथरूम होकर आऊं? अभी 2 मिनट पहले तो गया था। राखी जी को है ना वो मच्छर भगाने वाली क्रीम देकर आता हूँ। लीला ले गई है। पानी? लीला ले गई है। हाथ वाला पंखा? लीला ले गई है। चादर? ले गई है। ब्रश? ले गई है। जीजा जी? ले गई है। तो मैं क्या लेकर जाऊँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जा। नहीं मुझे जाना है। तो जा। जाऊँ? हाँ जा। सचमुच जाऊँ? मुझे पता है वहाँ क्या होने वाला है। अच्छा आपको पता है वहां पे क्या होने वाला है? जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। मैं अभी होकर आता हूँ। भाई लो, यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं राखी जी को पानी पिलाने आया था। पानी पिलाने? हाँ। ठंडा पानी? हाँ। अपने हाथों से? हाँ भाई हाँ। क्या हुआ, सपने में थप्पड़ पड़ा? अब असल में थप्पड़ पड़े उसके पहले सुपचाप सो जा। गुड नाइट जीजा जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।